सो गाइस लास्ट ईयर की बात है, एक लड़का था जिसकी इंग्लिश की 100% पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसको 100 out of 90 marks तो आराम से आ जाएंगे इंग्लिश में। पर जब रिजल्ट आया और हमने उसका पेपर के मार्क्स देखे तो बस 100 out of 70 थे। और फिर इसके बाद जब हमने रीचेकिंग को पेपर डाला तो वहां पर हमें पता चला कि भाई उसका जो पेपर प्रेजेंटेशन जो था वो बहुत ही ज्यादा गंदा था, और जिसकी वजह से टीचर्स ने उसके मार्क्स काट काट कर 90 से 70 तक ला लिया। अब ये सारे पेपर प्रेजेंटेशन की जो मिस्टेक्स है, जो कि हर टॉपर बच्चा करता है और उसके जैसे एवरेज हो जाता है, ये सारी मिस्टेक्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आज का वीडियो स्किप नहीं करना है और कमेंट्स में मुझे बता देना है कि आप ये सारे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स फॉलो करने वाले हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिग इनटू द वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिव्य सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो में आपको पता ही है क्या मैं बताने वाली हूँ, जो कि है पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। ऐसे 6 पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स लाई हूँ जिससे कि आप 70 से 90 पे जा सकते हो अगर आपकी 80% भी पढ़ाई हो चुकी हो तो। ठीक है, उसके पहले आपने मुझे कमेंट्स बता देना है कि यू आर गोना फॉलो दिस पर्टिकुलर टिप्स। और आप इंग्लिश की प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है एक बार जाके चेक कर लो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे जो हम बोलते हैं ना हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाले हैं, जो कि आपके इंग्लिश में मार्क्स बूस्ट अप करने में हेल्प करने वाले हैं। तो गो चेक आउट द इंग्लिश प्लेलिस्ट नाउ। ओके, तो चलो फटाफट पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स बनाती हूँ। मैंने कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी पीडीएफ नहीं बना के रखी है, बस जो सिंपल सिंपल प्रेजेंटेशन टिप्स होती है जो कि हर एक बच्चे को फॉलो करनी चाहिए, जो कि उसे एवरेज से टॉपर बना देती है, वो वाली टिप्स मैं बस यहाँ पे लिख के लाई हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए आपको पहली टिप बताती हूँ, दैट इज स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप सबको पता है कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से बड़े मार्क्स कटते हैं, पर किसी किसी को ये लगता है कि एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपका एक मार्क कट जाता है, किसी किसी को लगता है कि भाई 4-5 स्पेलिंग मिस्टेक्स करेंगे तब जाके एक मार्क कटेगा। तो ऐसा नहीं होता है बच्चा लोग, जब आपके दो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं तो आपका आधा मार्क्स कटता है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब आपके दो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं तो आपका आधे मार्क्स कटते हैं। आप बोलोगे दीदी कैसे, तो बच्चा लोग ये देखो, जो भी जिसकी भी इंग्लिश हायर लैंग्वेज होगी, यानी कि जो भी इंग्लिश मीडियम का होगा, तो उसके जो इंग्लिश के पेपर्स होंगे, उस पर्टिकुलर स्पेलिंग्स होंगे, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट पैमाने पे चेक होंगे, बिकॉज आप इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो। ठीक है, आप इंग्लिश बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक होंगे, और आपके दो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे आपके हाफ मार्क्स जो है वो कट होते हैं एज पर बोर्ड्स। ठीक है, पर अगर ऐसा उनको लग रहा है कि एक आंसर में एक ही स्पेलिंग मिस्टेक है, अलग आंसर में एक ही स्पेलिंग मिस्टेक है, अलग आंसर में एक ही स्पेलिंग मिस्टेक है, तो तीन चार स्पेलिंग मिस्टेक्स करके वो हाफ मार्क्स आपके काट देते हैं। और वही बात अगर मैं सेमी और मराठी मीडियम की करूं तो आपके इंग्लिश जो होती है वो लोअर लैंग्वेज होती है, इसीलिए आपके इंग्लिश में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश मीडियम जो होता है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम जो होता है उनका 90% आप समझ लो कि स्ट्रिक्टली चेक होता है, तो आपका वहीं पे 60% ही स्ट्रिक्टली चेक होता है, बिकॉज आपका जो इंग्लिश है वो लोअर लैंग्वेज में होता है। इतनी बात आपको समझ लेनी। और एक बात तो जो याद रखनी है, दैट इज दो स्पेलिंग मिस्टेक्स पर आपका आधा मार्क कटता है। ठीक है, तो अगर आपने 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स कर लिए तो आपके 5 मार्क्स कट जा रहे हैं, 5 मार्क यानी कि आपका 1% वहीं पे कट हो रहा है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है कि भाई आप यहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। ठीक है, और एक बात, आप सबको एक बहुत बड़ा डाउट है कि भाई अगर दीदी हैंडराइटिंग खराब हुई तो क्या मार्क्स कटते हैं क्या? तो भाई हैंडराइटिंग खराब हुई तो मार्क्स नहीं कटते, बस आपको क्या करना है, आपकी जो हैंडराइटिंग है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, जिससे कि टीचर को ऐसा ना लगे कि वो स्पेलिंग मिस्टेक है। कोई कोई बच्चे जो है, ठीक है, कोई कोई बच्चे जो है वो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो चलेगा, ये आर समझ में आ रहा है, पर कोई कोई बच्चे जो है वो ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ये जो आर है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर ये जो नहीं समझ रहा है उसके मार्क्स काट देंगे। तो आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी भी है तो चलेगा, बस उसको प्रेजेंटेबल बना दीजिए कि सामने वाले को बिना देखे वो समझ जाए। ठीक है, सामने वाले को बिना देखे समझ जाए, बस इतना प्रेजेंटेबल भी अगर आपकी हैंडराइटिंग होगी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हैंडराइटिंग की वजह से आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, ये मैं बोल देती हूँ आपको। ठीक है, सेकंड हम बढ़ते हैं वोकैबुलरीज पर। वोकैबुलरीज यानी कि क्या, कि भाई आप जो बोल रहे हो, ठीक है, आप जो कन्वे करना चाहते हो आपके राइटिंग स्किल्स में, आपके लेटर में, ठीक है, आप जो भी लिख रहे हो, लेटर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल लिख रहे हो, आप स्टोरी नरेट कर रहे हो, आप जो भी लिख रहे हो उसमें जो आपकी वोकैबुलरी है वो अच्छा होना चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप पैसेजेस में पर्सनल रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप आंसर्स लिख रहे हो, तो उसमें जो आपकी वोकैबुलरी है, आपका ग्रामर पार्ट है, वो सब अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लड़के को ही लिख रहे हो तो आप लड़के को शी लिख जाओ, ठीक है, जहाँ पे एक बंदा वहाँ पे इज लिखना चाहिए तो आप आर लिख दे रहे हो, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो वोकैबुलरी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखो, आप 10th में आ गए तो टीचर आपसे उतना तो एक्सपेक्ट करते हैं भाई कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, क्योंकि इट इज द बोर्ड्स एग्जाम, ठीक है, बहुत बड़ी एग्जाम है, एक बहुत बड़े पैमाने पे होती है, तो आपको उतना तो समझना होगा कि आपको वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी बहुत तो अच्छी रखनी ही होगी।
थर्ड बात पे हम चलते हैं, दैट इज अंडरलाइन। अब मैंने इंग्लिश का वन शॉट पेपर भी लिया था, इंग्लिश का वन शॉट पेपर भी लिया वाला है, वो वाला वीडियो भी जाके देखो, और मैंने प्रेजेंटेशन का वीडियो भी बनाया है, ठीक है, वो वाला वीडियो भी आप जाके देख लो, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन वाली बात है, ये मैं आपको बार 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 बोलती हूँ, मैंने आपको मराठी के पेपर में बताया था, संस्कृत के टाइम पे भी बताया था। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है, आप पूरा इतना बड़ा आपने लेटर लिखा, तो लेटर में आप रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो जो रिस्पेक्टेड सर है ना, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो। जो भी मेन मेन वर्ड्स होते हैं आंसर में, मेन मेन चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल आप अप्रिसिएशन लिख रहे हो, पुली पुली जो पोएम है आपकी उसकी, तो पुली पोएम का जो भी आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, ठीक है, आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो अप्रिसिएशन का, सेंट्रल आइडिया में जो भी मेन मेन वर्ड्स है, उस मेन मेन वर्ड्स को आपको जो लग रहा है कि इसके वजह से जो स्टोरी है वो रिवॉल्व हो रही है, तो उन मेन वर्ड्स को आपको क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। हर वर्ड को हाईलाइट नहीं करना है, अगर आप हर वर्ड को हाईलाइट कर रहे हो, हर दूसरे वर्ड को हाईलाइट कर रहे होंगे, तो टीचर बोलेंगे भाई ये बच्चा बस हाईलाइट ही करते जा रहा है, वैसा नहीं करना। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको उनको अंडरलाइन करना है, आपको उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ पे बढ़ते हैं, दैट इज प्रिसाइज राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग यानी कि क्या, जितना पूछा है उतना ही लिखो, ठीक है। कोई कोई बच्चे कैसे होते हैं कि भाई आपको पूछा जाता है 150 वर्ड, 150 वर्ड आप देखो एक पेज में, आधे पेज में आपके खत्म हो जाते हैं। कोई कोई बच्चे 2 पेज का लिखते आ रहे हैं, उससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो तो वेस्ट होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको 2 पेज आप लिख रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं। उन्होंने जितना पूछा है, जितना उनको मिल रहा है आंसर, वो उतने ही मार्क्स देने वाले। दो पे एक पेज मांगा है, आप 4 पेज लिख के आओगे तो 4 पेज के एक्स्ट्रा मार्क्स आपको कुछ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो प्रिसाइज राइटिंग यानी कि क्या, जितना पूछा है उतना लिखो। अगर आपको 150 वर्ड्स पूछे हैं तो 150 ही लिखो, या 170 तक चले जाओ मैक्स, मैक्स 170 तक चले जाओ, पर उसके ऊपर जाना मत, क्योंकि फिर टीचर बोलेगी भाई इसने क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या, इसको समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ 150 वर्ड पूछा है। और बच्चे लोग कैसे हो जाते हैं ना, अगर आपको कुछ ऊपर लिख के आ रहा है कि नरेट अ स्टोरी इन 150 वर्ड्स और इन 200 वर्ड्स, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इन 200 वर्ड्स, तो वो 200 वर्ड स्पेसिफिकली क्यों देते हैं, क्योंकि उनको आपका टाइम बचाना होता है और उन्हें देखना होता है कि भाई इतने वर्ड्स में जो हमने पूछा है वो बच्चा, वो सामने वाला पर्टिकुलर बच्चा हमें दे सकता है या नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ नरेट स्टोरी, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बोल रही हूँ एक्सपांड द थीम ऑन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन जस्ट 200 वर्ड्स, अगर मैंने आपको पूछा कि 200 वर्ड्स में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका थीम एक्सपांड करो, इसका इसका मतलब क्या है कि मैं चाहती हूँ कि भाई मैं देखना चाहती हूँ कि आपको 200 वर्ड्स में वो जम रहा है या नहीं, आपसे वो हो पा रहा है या नहीं। अगर आप 200 वर्ड्स छोड़ के वो किसी और ही 400 वर्ड्स 600 वर्ड्स में लेके जा रहे हो, तो फिर भाई वो टीचर बोलेगा इसको तो 200 वर्ड्स में जमा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स काटेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसीलिए आपको बस क्या करना है, जितने वर्ड्स पूछे गए, जितनी क्वांटिटी आपको पूछी गई, उतनी क्वांटिटी में आपको आंसर लिख के आ जाना है, टाइम भी बचेगा और जो टीचर है उसे भी लगेगा यार नहीं बच्चे ने क्वेश्चन भी पढ़ा और बच्चे में उतनी कैपेबिलिटी है कि वो उतने वर्ड्स में हमें समझा सके जो हमने पूछा था। ओके, इसे हम बोलेंगे प्रिसाइज राइटिंग। फिफ्थ जो हम बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, स्ट्रक्चर। ठीक है, आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, आप पर्सनल रिस्पॉन्स लिख रहे हो, आप समरी लिख रहे हो, ठीक है, आप लेटर लिख रहे हो, आप एक्सपांड द थीम लिख रहे हो, आप स्टोरी लिख रहे हो, कुछ भी लिखो, उसमें स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्ट्रक्चर यानी क्या होता है, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी आंसर, फॉर एग्जाम्पल आप पर्सनल रिस्पॉन्स देते हो, पर्सनल रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसमें जो पहली चीज आएगी, पहली 2-3 लाइन आएगी, पहली 2-3 लाइन होगी आपका इंट्रोडक्शन, आपका यानी कि खुद का मत देना कि भाई मेरा नाम ये है, मैं स्कूल से हूँ, मैं डोरेमोन देखता हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, जो भी आपको पर्टिकुलर पैसेज में मिल रहा है, जो भी पर्टिकुलर आपको एक्सपांडर थीम में टॉपिक दिया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपको एक्सपांडर थीम में टॉपिक दिया हुआ पॉल्यूशन का, तो पॉल्यूशन का पहले इंट्रोडक्शन देना है कि पॉल्यूशन क्या होता है, किस वजह से होता है। ठीक है, फिर जो मेन बीच में पैराग्राफ आता है, जो थोड़ा सा बीच में 3-4 लाइन आती है, उसमें आप थोड़ी सी अपनी अपनी बातें करना कि ऐसे ऐसे वजह से होते हैं पॉपुलेशन वैसे वैसे, एंड लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन देना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बॉडी, ठीक है, थोड़ी सी बातें करनी है, एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि पॉल्यूशन हम खत्म कैसे कर सकते हैं, पॉल्यूशन हम कम कैसे कर सकते हैं, पॉल्यूशन के मेजर्स क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको करनी। तो स्ट्रक्चर यानी कि याद रखना, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर आपको सिर्फ राइटिंग स्किल्स में ही स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, नहीं बच्चा लोग, आपको आंसर्स में भी स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आप 10th में आ गए हो, टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करती है कि भाई बच्चों को इतना तो समझना चाहिए कि आंसर स्टार्ट कैसे करते हैं, आंसर खत्म कैसे करते हैं।
और एक बात मैंने बहुत तो सुनी है कि बच्चे बोल रहे हैं कि भाई दीदी मतलब मुझे कमेंट्स में आया, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि भाई ऐसा कैसा, वो बच्चे बोलते हैं कि ऊपर के दो लाइन लिखना है ना दीदी वो एकदम बेस्ट लिखना है, बीच में कुछ भी लिख दो, लास्ट के दो लाइन लिख दो, टीचर बस ऊपर के और लास्ट के दो लाइन चेक करते हैं, बीच में टीचर्स चेक नहीं करते, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता, आपके जो पेपर्स वो तीन तीन बार चेक होते हैं, टीचर्स चेक करते, तीन तीन टीचर्स चेक करते आपके पेपर, ठीक है, पहले टीचर ने वैसे कर दिया, दूसरी थोड़ी वैसे करने वाली, ठीक है। और वैसा होता भी होगा, वो कौन सा माइंडसेट होता है बच्चे लोग, अगर आप पहले दो तीन पेजेस अच्छे लिख रहे हो तो टीचर को लगता है कि यार भैया ये बच्चा जो है ना ये टॉपर है, ठीक है, इसे सब आ रहा है, इसके हैंडराइटिंग देखो अच्छा है, इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, इसके स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, ये हाईलाइट कर रहा है वर्ड्स को, ठीक है, हमने जो पूछा है वो लिख रहा है। तो पहले दो तीन पेज में आपके इंप्रेशन बन जाता है और फिर टीचर आपका पेपर जो है वो टॉपर के माइंडसेट से चेक करता है, टीचर को लगता है नहीं यार इस बच्चे को आ रहा है, तो टीचर थोड़ा हल्के हाथ से चेक करता है, पर ऐसा नहीं होता कि टीचर आपका आंसर नहीं पढ़ता, ये कहीं नहीं होता, टीचर आपका पूरा आंसर पढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे मत करना कि आप इंट्रोडक्शन अच्छा दे रहे हो, कंक्लूजन अच्छा दे रहे हो, पर बॉडी में आप कुछ भी लिख के आ रहे हो, इससे मार्क्स कटेंगे, ये सारी अफवाह है, अफवाह पर प्लीज कृपया ध्यान ना दे, ठीक है, अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने अपने स्ट्रक्चर पर ध्यान दे। स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ओके बच्चा लोग, मुझे कमेंट में यस 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 फटाफट से चाहिए। ओके नेक्स्ट लास्ट थिंग जो मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन में बताने वाली हूँ, ज्यादा टाइम आपका लेने नहीं वाली हूँ, दैट इज क्लैरिटी। अब आप बोलोगे दीदी क्लैरिटी यानी क्या, यानी क्या बच्चा लोग, क्लैरिटी, क्लैरिटी इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप लाइफ में भी कुछ कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्लैरिटी चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हो, ठीक है। आप 10th के बाद आप साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी चाहिए कि आपको साइंस क्यों लेना है, कॉमर्स क्यों लेना है, आर्ट्स क्यों लेना है। क्लैरिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट थिंग, ठीक है। अब देखो जब भी आप कुछ लिख रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, आप एक्सपैंड थीम लिख रहे हो, आप नरेट द स्टोरी लिख रहे हो, आप स्पीच राइटिंग लिख रहे हो, आप इंटरव्यू क्वेश्चन लिख रहे हो, जो लिख रहे हो, वो जो भी लिख रहे हो उसमें आपको खुद को क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या, कौन से टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हो, क्या उस टॉपिक से रिलेटेड बातें ही आप लिख रहे हो। जैसे कि आपको पूछा गया है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है वाटर पॉल्यूशन और आप पॉल्यूशन के बारे में ही बड़बड़ 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 करते जा रहे हो, फिर उसके बाद आप बोल रहे हो देयर आर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर वाटर पॉल्यूशन पूछा है, वाटर पॉल्यूशन छोड़ के आप लैंड पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख रहे हो, फिर आप नॉइस पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख रहे हो। तो भाई ये सब नहीं होना चाहिए, आप जो भी लिख रहे हो ना उसमें आपको समझना चाहिए कि जो पूछा गया है आप वही तो लिख रहे हो ना, राइट। क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ वही पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन आपको क्या करना है, बार बार अच्छे से रीड करना है। और तो और जो आप लिख रहे हो, जो आप लिख रहे हो वो सामने वाले को क्लियरली समझना चाहिए, क्लियरली समझना चाहिए, आपकी जो थॉट्स है वो सामने वाले को कन्वे होने चाहिए एकदम क्लियरली, तभी जाके आपको क्या होने वाले, मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि जब भी आप कोई राइटिंग स्किल्स लिखने वाले हो या प्रश्न रिस्पॉन्स लिखने वाले हो तो क्वेश्चन अच्छा सा पढ़ लेना है, दिमाग में थोड़ी सी चीजें ला लेनी है कि भाई अब देखो वाटर पॉल्यूशन आया तो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड मुझे ये चीजें लिखनी है, पहले दिमाग में थोड़े से पॉइंट सेट कर लेना और फिर लिखना स्टार्ट करना। ऐसे नहीं कि आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो और फिर आपको ध्यान में ही नहीं आ रहा, अदरवाइज आपको कुछ और ही ध्यान में आ रहा है, आप कुछ और ही लिखते जा रहे हो, नहीं, आपको पहले क्लियर कर लेना है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन ही आपको क्या करना है, लिखना। वन प्लस एक छोटी सी पेपर प्रेजेंटेशन टिप मैं और एक देने वाली हूँ आपको, प्लस वन जिसको मैं बोलना चाहूंगी, दैट इज अगर आपका कुछ वर्ड रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, वर्ड रॉन्ग हो रहा है तो उसको ऐसे 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 मत करना, ठीक है, आपको ये बहुत बार सब टीचर्स ने बोला होगा, इसको उसको ऐसे 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 कट मत करना, उसको बस आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड रॉन्ग हो रहा है उसको ऐसे क्रॉस कर दो साइड में, ठीक है, ऐसा भी चलता है, अदरवाइज बस एक लाइन मार दो, इतना कर दोगे तो वो अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो देख लो, आप ही देखो आपको तो दिखने को कौन सा अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है या ये अच्छा दिख रहा है, आप बोलोगे दीदी ये अच्छा दिख रहा है, तो वही यही छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बस इतनी चीजें थी जो कि मैं आपको बताना चाहती थी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है मार्क्स कटवा देते हैं। जैसे कि पिछले साल एक बच्चा था जिसकी बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गई थी, ठीक है, पूरी 100% पढ़ाई हो गई थी इंग्लिश की, और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसको 90% तो इंग्लिश में आराम से आएंगे, बट जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि दैट इज कि उसको बस 70 मार्क्स आए। फिर रीचेकिंग के लिए जब पेपर डाला तो समझ गया कि मैं उसके पेपर प्रेजेंटेशन जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो आपको यही मिस्टेक्स जो मैं आज बोल रही हूँ, यही मिस्टेक्स आपके पेपर में जाके नहीं करनी है, सारी जो पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स थी वो आपको अच्छे से फॉलो करनी है, और मुझे कमेंट्स में बता देना है, नीचे जाओ फटाफट कमेंट में और मुझे बताओ कि आप ये सारी टिप्स जो है वो फॉलो करने वाले
हो, ठीक है, फटाफट फॉलो करना है यार, इस सेलिब्रिटी को फॉलो कर दे, उस सेलिब्रिटी को फॉलो कर दे, अब इस थोड़े से प्रेपर प्रेजेंटेशन टिप्स को भी फॉलो कर लो, ओके ओके, फटाफट फॉलो करो अपने नबूनों दोस्तों के साथ, जिनके साथ सारे बंक मारे हैं स्कूल में, टिफिन खाया है, उन सब के साथ फटाफट जाके शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि 90% ऑफ द बच्चे ऐसे जो आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ाई करते रहो, एंड यस हैशटैग धमाका मचाना है।